खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार से पुतिन की रक्षा होती है वो हथियार आधा दर्जन देशों को दुश्मन के गोलों से बचाता है। वो हथियार बहुत जल्द भारत में आ सकता है और यही है इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पंसर सेना को मिल सकता है। भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, MOU साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स। अमेरिका को वो कहेगा कि नहीं ठीक है, ये तो हमारा अपना ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, हम इस पे जो मर्जी करें हमारी मर्जी, हम अगर किसी से सिस्टम ले रहे हैं, हम किसी से वेपन्स ले रहे हैं, हम किसी से हथियार ले रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये तो हमारी सलामती के लिए है और जाहिर है कि ये अपना मामला है। यू नो 10-15-20-25-30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं पैंटसीर उसको टेक केयर करेगा। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसीर भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। सो वो कहते हैं ठीक है अपने इंटरेस्ट के लिए लड़े, इट इज नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन। सो लुक एट योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जिससे पुतिन की रक्षा की जाती है वो दोस्तों भारत को मिलने की उम्मीद है। अभी दोस्तों रशिया के अंदर जयशंकर गए थे, वहाँ पर इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात हुई। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है पंसर। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म एंटी मिसाइल एयर सिस्टम है। दोस्तों ये इतना तगड़ा है कि भाई ये हवा में ही किसी भी वेपन को ख़त्म कर सकता है। मान लो इसे हमने इस्टेब्लिश कर दिया तो अगर हवाई से कोई भी मिसाइल आ रही है या बम आ रहा है या किसी भी तरीके का हमला हो रहा है तो ये इतनी क्षमता रखता है कि उसे हवा में ही निपटा सकता है, ये इसकी खास बात है। दोस्तों भारत और रूस के बारे में हम जानते हैं कि कितनी अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छी दोस्ती कही जाती है भारत और रूस की, और ये आए दिन कोई ना कोई नए डिफेंस एग्रीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, इसके चलते रशिया और भारत के जो रिश्ते हैं वो आज तक कायम है। हमने देखा है किस तरीके से भारत अपने डिफेंस पर खर्चा कर रहा है और इतना मजबूत कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि भाई भारत जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब भारत और रूस के बीच एक ऐसे हथियार को लेकर डील होने जा रही है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में तैनात है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूसी हथियार कंपनी के बीच उस हथियार को लेकर डील हुई है। इस हथियार का नाम है पंसर एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में भारत ने एक और अंडरस्टैंडिंग साइन करी है, MOU साइन करा है रशिया के साथ फॉर पैंटसीर। अब दोस्तों जो पैंटसीर है उसमें ना सिर्फ ऐसी मिसाइल्स भी नहीं, उसमें 30 mm की गन्स भी हैं। सो इट इज अ मल्टी फेसेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी व्हीकल माउंटेड है, आप इसको गाड़ी के ऊपर लगा सकते हैं और शॉर्ट रेंज जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स हैं, इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। यू नो 10-15-20-25-30 किलोमीटर के रेंज में आपके जो भी थ्रेट्स हैं पैंटसीर उसको टेक केयर करेगा। जो S-400 दैट इज फॉर लॉन्गर रेंज थ्रेट्स, जैसे हमने इसराइल के बारे में आपको बताया था ना कि इसराइल में एरो एक अलग लेवल पे देख रहा है थ्रेट्स को, उसके बाद डेविड स्लिंग आता है वो एक अलग लेवल पे देख रहा है, फिर आयरन डोम है, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, आयरन बीम अब आ गया है, तो ये अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग थ्रेट्स को देखते हैं। तो जो शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स हैं उसके लिए पैंटसीर भारत के लिए एकदम फिट है। अब भारत इसमें बात करेगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की रशिया से, किसी हम आपको इतने ऑर्डर देंगे आप हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दो, क्योंकि दे हैव टू बी मेड इन इंडिया। अब वो दिन लद गए जब भारत मोटे मोटे चेक काट के बोलता था हथियार दे दो। तो दोस्तों ये दो चीज़ें थी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दिस इज़ वेरी बिग न्यूज़, मीडिया इसको इतना कवर नहीं कर रहा जितना मीडिया को करना चाहिए। इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर which has the luxury to buy the military hardware from Russia. अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा,
क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है, माजी में वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स, और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा ट्विस्ट आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ, सो हम तो नहीं वो करने जा रहे, सो हम तो नहीं पीछे हटेंगे। सो वो कहते हैं ठीक है अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ें, इट इज़ नॉट अ वैल्यू बेस्ड रिलेशन, इट इज़ एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन, सो लुक एट योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टू काउंटर चाइना, सो कीप वर्किंग विद द इंडियंस, दैट्स व्हाट यू कैन गेट। और ये जो इसीलिए अमेरिकन भी खामोश हैं क्योंकि अमेरिकन को बहुत सारी मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, दोनों मुल्कों को चाहिए लेकिन अमेरिका को ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो से वो कहते हैं ना दे आर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ, ये जो इंट्रोपरेबिलिटी की बात होती है कि तमाम फोर्सेज मिलकर काम करें, और इंडिया को सारी बात है एडवांटेज है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस एक्विजिशन का, वो ये रशिया से भी चाहता है, वो ये अमेरिका से भी चाहता है, और इंडिया को ये एडवांटेज है कि एक तरफ वो उसने उनको इंडिया को इस चीज़ का पता है कॉन्टीन्यूसली कि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के अंदर चाइना के साथ खटपट हो जानी है, दे विल बी एट ऑड्स एंड इट वॉन्ट स्ट्रिक्ट इन टू एलएसी, दैट इज वाई इंडियंस आर स्ट्रेचिंग देयर पोजिशन, दैट इज वाई इंडियंस आर गोइंग इन अगालीगा, दैट इज वाई इंडियंस आर गोइंग इन लक्षद्वीप, दैट इज वाई इंडियंस हैव मेड अ मिलिट्री बेस इन सेंट्रल एशिया। और जब इंडिया ने आपको याद होगा कि अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था तो इमीडिएटली जो अपनी जो विड्रॉल की थी, आई थिंक इंडिया हैज़ अ मिलिट्री बेस इन तुर्कमानिस्तान शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंडिया ने इमीडिएटली तुर्कमानिस्तान में लैंड किया था अपनी एंड देन वहाँ से उनको आगे लेके गए थे। सो ये जो क्वेश्चन है, इंडिया को इस चीज़ का पता है कि एलएसी के ऊपर चीज़ें जानी है, एलएसी के बियॉन्ड भी चीज़ें होनी, सो इसीलिए इंडिया जो है वो एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है कि किस तरह चीज़ों को हमने करना है। और ये जो अमेरिकन्स को फॉर एग्जांपल कभी वो ड्रोन्स खरीदते हैं, अभी देखें ना जिस तरह इंडिया ने यूएस कांग्रेस से भी अप्रूव करा लिया, ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि इंडियंस आर जिसे कहते हैं ना बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि अगर अमेरिका से चीज़ें मिल जाएँ या इंडिया यूरोप से और रशिया से मिल जाएँ तो दे आर नॉट वरीड एट ऑल। लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है दैट इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, बाकी जितने एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं इंडिया उनका मेंबर मौजूद है। सो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी सैंक्शंस हैं कि हम अगर मिसाइल बनाएं तो वो कहते हैं क्यों बनाए हैं, हम अगर न्यूक्लियर की या टेक्टिकल की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आपके ऊपर सैंक्शंस थी पहले। सो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडिया इस वक्त उस लाइन में आ चुका हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ, कि सब ममालिक जो हैं वो अभी देखें, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में ये बात चली कि जो इंडिया के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक लंबी लिस्ट तैयार की और उन्होंने कहा जी तकरीबन जो है वो कुछ 26-27 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग करेंगे, 26-27 बिलियन डॉलर की, ठीक है जी। और कहा यह जाता है कि ये इनमें से 98% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो डोमेस्टिकली स्पेंड दिए जाएंगे। अब अल्लाह जानता है ये कितना है या क्या नहीं, लेकिन जो इंडियन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो ये कहती है, ये 2.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का खर्चा है, मतलब पाकिस्तानी 7-8 ट्रिलियन का, इससे भी ज़्यादा 10 ट्रिलियन का कह लें आप, पाकिस्तानी 10 ट्रिलियन का, ये जितना हमारा टोटल बजट है 14 ट्रिलियन जितना हमारा 14 ट्रिलियन का बजट है, ठीक है अप्रूव होता है, उतना तो इंडियन जो है वो कह रहे थे कि हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि ये हमने इनको करना है। सो क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बड़ी कम रह गई हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्रेंड्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्रेजेंस एवरीवेयर। द रशियंस डोंट टेक पाकिस्तान सीरियसली, अमेरिकन के लिए से इक्विपमेंट लेना हमारे लिए वो ईजी नहीं है, अमेरिकन विल नेवर एग्री टू इट, ठीक है जी। और आपको पता है उनको एक तो उनको उधर प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक बात, देन वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देते हैं, दूसरा ये है कि उनको ये भी खतरा रहता है कि पाकिस्तान जो भी मिलिट्री हार्डवेयर लेगा वो चाइना को दे देगा। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ था तो अमेरिका का एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जब वो पाकिस्तान गिर गया, जब वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर पाकिस्तान गिर गया तो अमेरिकन्स बड़े अलर्ट हुए और ये तासुर आना शुरू हो गया, उन्होंने कहा जी चाइनीज़ पहले आ गए थे उधर, पाकिस्तानी और चाइनीज़ पहले आ गए थे और अमेरिकी बाद में आए थे, और उन्होंने सारा बता दिया कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो वो चाइनीज़ वो सारी चीज़ें ले गए और बाद में जी वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ये करेंगे। सो इंडिया जो चाइना है वो पाकिस्तान की मदद ज़रूर करता है और पाकिस्तान और चाइना के सवाले से कोऑर्डिनेशन मौजूद है क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सारे रोड्स ब्लॉक किए हुए हैं, ठीक है जी। ये चीज़ अमेरिकन को समझनी चाहिए, अमेरिकन थोड़ी सी विंडो पाकिस्तान के लिए रखते हैं लेकिन लार्जली उन्होंने कम्प्लीटली पाकिस्तान को बाईपास कर दिया हुआ है और वो समझते हैं कि नहीं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ना पिछले कुछ अर्से के अंदर तकरीबन इंडिया ने पिछले 15 सालों में अगर देखा जाए वो 20 अरब डॉलर का तो डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ से लिया, ठीक है जी। अब देखें कि अमेरिका की जो प्रायोरिटी है इंडिया के साथ वो सिर्फ डिफेंस सेल्स नहीं है,
ठीक है जनाब, अमेरिका मल्टीलैटरल या मल्टीसेक्टरल रिलेशनशिप देखता है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ वो देखते हैं कि ठीक है अफगानिस्तान के अलावा हमारा इनसे कोई नहीं है, इसीलिए हमें कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता। फिर हमारे पास पैसों का भी मसला है, फिर हमारी और भी बड़ी सारे मसाइल हैं। हम दुनिया, हम ज़िंदगी के उस हिस्से में जो है वो किसी ब्लॉक को हिस्सा नहीं लेना चाहते, जब मेरा ख्याल है किसी ब्लॉक का हिस्सा लेना